बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। हम सब चाहते हैं कि हमारी स्किन ब्राइट, वाइट और ग्लोइंग हो, हमारी स्किन बिल्कुल क्लियर हो, उस पर कोई दाग धब्बे छाइयाँ ना हों। और चाहे लड़के हों या लड़कियाँ, सभी को गोरा होने का बहुत शौक़ है। और इसी चक्कर में लोग फार्मूला क्रीम्स यूज़ करते हैं जो बहुत जल्दी रिज़ल्ट शो करती हैं, लेकिन जैसे ही आप इसको यूज़ करना छोड़ें तो स्किन का बहुत बुरा हाल हो जाता है। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप फार्मूला क्रीम्स के बजाय मेडिकेटेड क्रीम्स यूज़ करें। मार्केट में बहुत सारी मेडिकेटेड क्रीम्स अवेलेबल हैं जो ये क्लेम करती हैं कि वो आपकी स्किन को फेयर करेंगी, फ्रैकल्स और डार्क स्पॉट्स को फेड करेंगी। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि बायोफेड, जो कि एक मेडिकेटेड क्रीम है, इसको यूज़ करने का मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा, मुझे कितने दिनों में रिजल्ट मिला और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट है या नहीं, बायोफेड जो क्लेम करती है वैसा रिजल्ट देती है या नहीं, और क्या बायोफेड बॉयज़ के लिए भी उतनी ही इफ़ेक्टिव है जितनी गर्ल्स के लिए। बायोफेड से रिलेटेड सब डिटेल्स मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी, इसलिए वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। तो चलें आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये है बायोफेड क्रीम स्किन लाइटनिंग सिस्टम अल्ट्रा वाइटनिंग विद एंटी ऑक्सीडेंट्स। बॉक्स पे इन्होंने ये मैंशन किया है कि बायोफेड क्रीम आपकी स्किन को ब्राइट और स्मूथ करती है। अगर आपकी स्किन अनइवन है तो ये उसको भी इवन टोन करेगी। इसके अलावा इन्होंने ये मेंशन किया है कि ये हाइपरपिगमेंटेशन, एक्नी स्कार्स, सनबर्न, फाइन लाइंस और फ्रैकल्स को भी कम करती है। इस क्रीम को यूज़ करने के लिए इन्होंने डायरेक्शंस दी हैं कि आप अफेक्टेड एरियाज़ पे दिन में 2 दफ़ा यूज़ करें, बट अगर आप इसको एज अ नाइट क्रीम यूज़ करें तो इसका बेस्ट रिजल्ट मिलता है। 90% डर्मेटोलॉजिस्ट इस क्रीम को एज अ नाइट क्रीम ही सजेस्ट करते हैं। जिन लोगों को फ्रैकल्स का इशू होता है तो कुछ डर्मेटोलॉजिस्ट उनको ये सजेस्ट करते हैं कि आप बायोफेड क्रीम सन ब्लॉक के साथ दिन में यूज़ करें, और नाइट क्रीम उनको कोई और सजेस्ट की जाती है ताकि जल्दी रिजल्ट मिले। अगर आप सिर्फ बायोफेड ही यूज़ कर रहे हैं तो फिर आप इसको एज अ नाइट क्रीम ही यूज़ करें तो आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। और यहाँ पर इस क्रीम के इंग्रेडिएंट्स मेंशन किए गए हैं। इस क्रीम की मैन्युफैक्चरिंग डेट है 2021 और एक्सपायरी डेट है 2023। और बायोफेड क्रीम की प्राइस है 945 रुपीज़। बायोफेड क्रीम थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, लेकिन अगर आपको रिजल्ट मिले तो पैसे खर्च करने का दुख नहीं होता। यहाँ बॉक्स पे छोटा सा 1 ml लिखा है, विच मीन्स बायोफेड क्रीम ओपन करने के बाद 1 month में इसको यूज़ कर लें तो ये बेस्ट रिजल्ट देगी। अब मैं बॉक्स ओपन करके आपको बायोफेड क्रीम दिखाती हूँ। इसके ऊपर भी वही सब कुछ मेंशन किया गया है जो इसके बॉक्स पे था। अगर मैं इसकी क्वांटिटी की बात करूं तो वो है 30 ग्राम्स। अगर आपको ये लग रहा है कि 945 रुपीज़ में सिर्फ 30 ग्राम्स क्वांटिटी कम है, तो मैं आपको बताती चलूं कि बहुत सारी मेडिकेटेड क्रीम्स जिनकी क्वांटिटी 30 ग्राम्स है वो 1000 to 1500 की हैं। इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि 945 रुपीज़ में 30 ग्राम्स क्वांटिटी बहुत कम है। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसको यूज़ कैसे करना है। आपने मटर के दाने जितनी क्रीम अपने फेस और नेक पे अप्लाई करनी है। ये एक मेडिकेटेड क्रीम है, इसीलिए आपने इस क्रीम को अपनी स्किन में अच्छी तरह एब्जॉर्ब करना है। क्रीमी सा टेक्सचर है इसका, इसीलिए ये बहुत इजीली आपके स्किन में एब्जॉर्ब हो जाती है। अगर आप मटर के दाने जितनी क्वांटिटी डेली यूज़ करेंगे तो ये 1 month तक चल जाती है। एक बात याद रखें कि ज़्यादा क्वांटिटी लगाने से आप जल्दी गोरे चिट्टे नहीं हो जाएंगे, बस आपकी क्रीम जल्दी ख़त्म हो जाएगी। बायोफेड क्रीम नॉन स्टिकी है, फेस पे अप्लाई करने के बाद आपको चिपचिप फील नहीं होती। इसकी फ्रेग्रेंस बहुत लाइट और प्लेजेंट है। अब मैं आपको इसके रिजल्ट्स के बारे में बताती हूँ। मैंने बायोफेड क्रीम को एज अ नाइट क्रीम यूज़ किया और मुझे 7 to 8 days में नोटिसेबल डिफरेंस नज़र आया। बायोफेड क्रीम यूज़ करने के 1 week बाद फेस ब्राइट होना शुरू हो गया और स्किन ग्लो करने लगी।
दो से तीन वीक्स यूज़ करने के बाद डार्क स्पॉट्स और एक्नी मार्क्स भी फेड होना शुरू हो गए। ये सनबर्न और अनइवन स्किन टोन के लिए भी इफ़ेक्टिव है। इन्होंने बॉक्स पे लिखा था कि ये फाइन लाइंस को कम करती है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये रिंकल्स और फाइन लाइंस के लिए बिल्कुल भी इफ़ेक्टिव नहीं है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि ये फ्रेकल्स के लिए इफ़ेक्टिव है या नहीं। बायोफेड क्रीम फ्रेकल्स को 50-60% लाइट कर सकती है, लेकिन 100% ख़त्म नहीं कर सकती। अगर आपको फ्रेकल्स का इशू है तो आप किसी अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट को चेक करवाएं। डर्मेटोलॉजिस्ट रूट कॉज आइडेंटिफाई करने के बाद डिफरेंट मेडिकेटेड क्रीम्स और कुछ सप्लीमेंट्स आपको सजेस्ट करेगा। उसी से आपकी फ्रेकल्स 100% ख़त्म हो जाएंगी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि ये आपको गोरा चिट्टा करती है या नहीं। ये बेस्ट क्रीम है जो आपकी स्किन को ब्राइट और फेयर करती है। ये अनइवन स्किन टोन, एक्नी मार्क्स, ब्लेमिशेस, सनबर्न और डार्क स्पॉट्स के लिए इफ़ेक्टिव है। इस क्रीम को लड़के और लड़कियां सब यूज़ कर सकते हैं। वो लड़के और लड़कियां जिनकी एक या दो मंथ्स के बाद शादी होने वाली है तो ये क्रीम आपके लिए बेस्ट है। इस क्रीम को 40 से 50 एज ग्रुप के लोग भी यूज़ कर सकते हैं, ये उनके लिए भी इफ़ेक्टिव है। बायोफेड क्रीम मेरी मामा ने भी ट्राई की है और वो भी इसके रिज़ल्ट से सेटिस्फाइड हैं और ये उनकी मोस्ट फेवरेट नाइट क्रीम है। अब मैं आपको बताती हूँ कि इस क्रीम के साइड इफ़ेक्ट्स हैं या नहीं। बायोफेड क्रीम यूज़ करने से पिंपल्स नहीं होते। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तब भी इसको यूज़ करने से आपके फेस पे रेडनेस नहीं होती। इस क्रीम का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, इट इज़ सेफ़ टू यूज़। तो ये थी आज की वीडियो। अगर बायोफेड से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपने बायोफेड क्रीम यूज़ की है तो अपना एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दें और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।